नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मुखिया और वार्ड को मिली नई जिम्मेवारी के बारे में। बिहार में पिछले साल पंचायत चुनाव समाप्त हुआ। इस चुनाव के बाद से पंचायतों में विकास के कार्य में तेजी देखी गई है। बिहार सरकार कई तरह के अहम फैसले जो है पंचायतों के विकास को लेकर लगातार ले रही है। बता दें कि पंचायत में विकास को लेकर नीतीश सरकार इन दिनों एक्टिव है। हालांकि अब पंचायतों में नल जल योजना को लेकर मुखिया को अहम जिम्मेवारी दी गई है। बता दें कि पंचायतों में मुखिया और वार्ड को अहम जिम्मेवारी दी गई है। इधर विभाग ने फैसला किया है कि अब भूजल की निगरानी पंचायत के मुखिया के साथ साथ वार्ड सदस्य भी करेंगे। बता दें कि इसको लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश में पेयजल की समस्या को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें PHED विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि जितने भी खराब पड़े चापाकल हैं उन्हें एक सप्ताह में ठीक करें। विभाग ने भूजल की निगरानी को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें कि जलापूर्ति योजना के पंप ऑपरेटर, मुखिया, वार्ड सदस्य, गांव के प्रभावी व्यक्ति को इसके अंदर जोड़ा गया। साथ ही साथ यह जो है निर्देश दिया गया है। प्रदेश में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पेयजल की समस्या होना आम है। ऐसे में बिहार सरकार अभी से इसकी तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि विभाग को प्रदेश में पानी की समस्या को मामला सामने आ रहा था, जिसके बाद से विभाग ने एक्शन लेना शुरू किया। विभाग ने सबसे पहले मिल रही समस्याओं के बारे में विचार किया और उसका निपटारा करवाया। साथ ही साथ इसके निराकरण को लेकर भी विचार किया गया। ऐसे में विभाग की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से उस पूरे कार्य प्रणाली पर जो है निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ उसमें हर दिन मुख्यालय स्तर से जो है देख रेख किया जाएगा कि किस तरह के काम जो है वो किए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 1 अप्रैल से सभी ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति योजना को सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक चलाने का निर्देश जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ विभाग की तरफ से जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि जन प्रतिनिधियों की तरफ से 3378 चापाकलों को बनाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन विभाग की तरफ से इन सभी चापाकलों को जो है ठीक करा दिया गया है। बता दें कि बिहार में पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए विभाग अभी से ही जो है सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है, जिससे कि गर्मी के दिनों में पंचायतों में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में विभाग ने अभी से ही इस क्षेत्र में काज करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी बिहार में मुखिया को अहम जिम्मेवारी दी गई थी। जंगली पशुओं से किसानों के फसलों का भारी नुकसान होता है, ऐसे में जानवरों के शिकार को लेकर मुखिया को अहम जिम्मेवारी दी गई। बता दें कि इससे पहले यह अधिकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पास था। इस विभाग के अधिकारी इसका फैसला करते थे कि किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, इसके बाद उस जानवर का शिकार करवाया जाता था। ऐसे में अब बिहार के किसानों को एक राहत देते हुए विभाग ने यह फैसला लिया कि अब वन विभाग किसानों तक जाने को, यानी कि वन विभाग जो है किसानों को जाने की ज़रूरत नहीं है। किसान अपनी समस्या लेकर पंचायत में जाएं मुखिया के पास। अब जो है वो मुखिया जो है इसके लिए पूरे अधिकारी व्यक्ति होंगे और वो किसानों को जो फसल नष्ट हो रहा है, जिस जानवर के चलते उसका शिकार करवाना है, किस तरह से करवाना है और कैसे फसलों को बचाना है, इन सब की जिम्मेवारी जो है पंचायत को दी गई, मुखिया को दी गई, ताकि जो है किसान ज़्यादा लंबे समय तक जो है परेशान न हो सके। ऐसे में पंचायतों में मुखिया और वार्ड सदस्य को जो है अहम जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मुखिया और वार्ड सदस्य को जो ये नल जल योजना को लेकर जो अहम जिम्मेवारी दी गई है, क्या उसमें नल जल योजना में सफल और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है? कि आपको लगता है कि इससे हर घर नल जल योजना जो है वो आसानी से पहुंच सकता है, या फिर उसमें होने वाले समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सकता है? आप हमें इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।